गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक नई राइड पे हम लोग जा रहे हैं कानपुर से ऋषि आश्रम, जो इलाहाबाद के आसपास पड़ता है कहीं। तो अभी गूगल मैप लगाएंगे और चलेंगे। तो चलिए, अभी बजा है लगभग सुबह का 8:15 के आसपास और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे लगभग 4-4.5 घंटे में। अभी हम कानपुर में हैं। कानपुर से हम NH-19 लेते हुए पहुँचेंगे फतेहपुर। फतेहपुर मेन चौराहे पे हमारा बाईपास चौराहे पे इंतजार कर रहेंगे राइड फॉर गाइड वाले फ्रेंड। उनके साथ हम निकलेंगे खागा। खागा से इधर किशनपुर, इकडाला, धाता होते हुए राजापुर जाएंगे। फिर वहाँ से मऊ पहुँचेंगे। मऊ से 14 किलोमीटर के आगे यहीं कहीं पड़ता है बारह कोटरा, जहाँ पे ऋषि आश्रम है। अभी आपको अपने बाइक के साथ मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ वो दिखा दे रहा हूँ। एक टॉप बॉक्स लगाया है जो पिछली बार भी लगाया था, और साथ में एक टैंक बैग, और उधर अपना हेलमेट में गोप्रो लगा हुआ है। अभी नवस्ता चौराहे के पास आए हैं और यहाँ पे ट्रकों का बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। देखते हैं कहाँ से जगह मिलेगी। तीन तीन लाइन लगी हुई है ट्रकों की। आज सुबह से ही मौसम बहुत बढ़िया है, काले काले घने बादल छाए हुए हैं। बस एक ही बात का डर है कि बारिश ना कहीं मिल जाए, लेकिन हम प्रिपेयर होके आए हैं। रेनकोट हमारे पास है, बस कैमरे का थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि माइक एडाप्टर लगने के बाद वाटरप्रूफ वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है गोप्रो का। एक बार मैंने 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड करी थी कानपुर से कौशाम्बी इलाहाबाद टू कानपुर, वो भयंकर बारिश में करी थी। और उसका वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा लिंक, और जो ऊपर आई बटन है उसमें भी वो लिंक फ्लैश कर रहा होगा। अभी एक्सेस कॉलेज क्रॉस कर रहे हैं और अभी तक हमको एकदम मक्खन रोड मिली है, बढ़िया एकदम चौड़ी। हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 60 किलोमीटर किया, मोहर क्रॉस कर दिया और आगे मालवा पड़ेगा, उसके बाद फिर फतेहपुर। अभी आप एक टाइम लैप्स एंजॉय करिए। तो अभी फतेहपुर बाईपास के नीचे खड़ा हूँ और बात हुई है भाई से, तो भाई को लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ आने में। वो लगभग 10 किलोमीटर दूर है, तो पहले जाके एक चाय पीते हैं, तब तक थोड़ा वेट करते हैं, भाई आ जाएंगे। चलो इधर एक चाय की दुकान है, यहाँ देखते हैं। अभी आ गया हूँ फतेहपुर का जो मेन बाईपास है उसके पास, और एक चाय ब्रेक के लिए रुका हूँ। और हमारे जो फ्रेंड हैं वो लगभग 10 किलोमीटर दूर है, वो आ रहे हैं, तो बस जब तक चाय इंजॉय करते हैं तब तक वो आ जाएंगे, फिर आगे के लिए रवाना होंगे और आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे आपको दिखाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। इससे पहले वाली राइड में जो चंबल रिवर वाली राइड में हमारे साथ थे, तो ये है, ये लखनऊ से आ रहे थे और मैं कानपुर से। तो अब हम लोग सीधे निकल रहे हैं आगे, खागा होते हुए आगे जाएंगे इलाहाबाद के पास है ऋषि आश्रम करके, वहाँ पे चलना है। अभी तक लगभग 80 से 85 किलोमीटर कवर कर लिया है कानपुर से फतेहपुर मेन बाईपास क्रॉस करते हुए, आगे निकलना है। और फतेहपुर बाईपास पर हमको मिले थे अपने भाई शैलेंद्र भाई, राइड फॉर गाइड इनका यूट्यूब चैनल है, तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, जाके वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से जो ऋषि आश्रम है अराउंड 125-30 है, 125 से 130 किलोमीटर के आसपास, तो हमको लगभग 3 घंटे लगेंगे, लगभग 2.5 से 3 घंटे। वो डिपेंड करता है कि रोड कैसी है आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। अभी वजह है लगभग 10:15-10:30 के आसपास, तो हम लोग पहुंच जाएंगे लगभग 1 या 1.5 के आसपास। और अगर धूप ऐसे ही रही, मौसम ऐसे ही रहा, तो मज़ा आ जाएगी आपको। बढ़िया बढ़िया टाइम लैप्स भी दिखाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, मज़ा आ जाएगी। अभी तक आप लोगों ने ऋषि जो आश्रम है मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। अभी खागा से निकल रहे हैं, पुलिस चौकी पीछे क्रॉस करी है, और ये मार्केट है मेरे ख्याल से
खागा की। लगभग 5-6 किलोमीटर से यही रास्ता लिया हुआ हूँ, एकदम सीधा रास्ता है। आप देखो दूर तक आपको दिख रही होगी लाइन, और दोनों तरफ पेड़ हैं और सड़क बहुत बढ़िया है। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डला लिया है और वॉशरूम गया था मैं, मुझे बहुत कसके लगी है, मुझे बहुत कसके लगी थी। और क्योंकि आपको बताया था मैंने मेरे स्टोन है, इसलिए बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये आगे सड़क का काम चल रहा है और देखो कितनी भयंकर पाउडर उड़ रहा है, इसको लगा लो मज़ा आ जाएगी। अभी भी लगभग 50 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी हम आ गए हैं महेवा घाट। फाइनली इतनी देर के बाद कुछ देखने को अच्छा मिला, और ये पुल बहुत लंबा है। तो अभी पहुंच गए महेवा घाट पे, एक बार आप सिनेमैटिक देख लो थोड़ा सा। अभी आ गए हैं कौसाम्बी क्रॉस करके महेवा घाट पे, और मेरे पीछे आप देखो कितना दूर तक आपको पानी और ब्रिज दिखेगा, और आगे जाने पे हमको चित्रकूट मिलेगा। चित्रकूट भी जा सकते हैं यहाँ से, लगभग 30 से 35 किलोमीटर चित्रकूट है यहाँ से, और जो ऋषियन आश्रम है वो लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी एक आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए और उसके बाद चलते हैं। अभी हम लोग हैं राजापुर में और ये पड़ता है चित्रकूट में। तो लगभग 50-60 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और अभी चित्रकूट में ही हूँ या क्रॉस कर दिया ये पता नहीं। और इधर ये पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, देखो पहाड़ी है, और इधर ये दूर तक आपको पहाड़ी पहाड़ी दिखेगी। और रास्ते का उधर कुछ बढ़िया नहीं था इसलिए आपको दिखाया नहीं, बाकी ये इंजॉय करो कितना अच्छा लग रहा है। ये जो पीछे आप देख रहे हो सड़क, ये बरहा एक जगह लिखा था शायद, मेरे हिसाब से बरहा गांव है। और इधर आओगे तो ये आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो लिखा, श्री राम वन गमन मार्ग ऋषियन आश्रम बरहा कोटरा। ये पूरी रोड आगे उसी के लिए गई है जो प्रभु श्री राम थे, इधर ही से गए थे जहाँ तक ये लिखा हुआ बता रहा है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अंदर, ऋषियन आश्रम बरहा कोटरा। भाई सब नज़ारा देखो चारों तरफ, जो इतनी देर की मशक्क़त थी यहाँ पे आके एकदम बढ़िया हो गई है। चारों तरफ आपको घने घने जंगल ही दिखेंगे, और इधर ये राइट साइड में झील है, नज़ारा देख रहे हो आप। ये आ गया ऋषियन आश्रम बरहा कोटरा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।